सोनभद्र और जांचल की सड़कों पर कोयला लदे वाहनों की रफ्तार पर कोई नियंत्रण नहीं है। ओवरलोड कोयला लेकर दौड़ते वाहनों की तेज रफ्तार आए दिन हादसे का कारण बन रही है। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के शक्तिनगर वाराणसी मुख्य मार्ग पर खड़िया बाजार तिराहे पे एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रेलर द्वारा जा रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारते हुए ट्रेलर चालक ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक श्री इंटरप्राइजेस कोल्ड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड लैंको के लिए ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता था। अनुपालन मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के शक्तिनगर वाराणसी मुख्य मार्ग पर खड़िया बाजार तिराहे पर एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रेलर जा रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारते हुए ट्रेलर चालक ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे की हल्की चोट आई है। मृतक युवक श्री इंटरप्राइजेस कोल्ड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड लैंको के लिए ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता था। रोज इस तरह के हादसे हो रहे हैं। सोनभद्र खनन क्षेत्र होने की वजह से 25,000 से ज्यादा ट्रकों का आवागमन होता रहता है। ओवरलोड ट्रक रोज 4 से 5 दुर्घटनाएं कर रहे हैं, पर जिला प्रशासन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। जबकि कल ही जिले में अलग अलग स्थानों पर हुए दुर्घटना में 3 की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए थे। इसी तरह एक ट्रक दुर्घटना में बपनी थाने में तैनात सिपाही की मौत हो गई थी। आज के सिपाही पोस्टमार्टम कर विदाई अंतिम दी गई।